अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ इंग्लिश फॉर सेकंड ईयर. स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक विल बी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल्स. आर्टिकल्स इसलिए क्योंकि ये आपके यूनिट नंबर 2 लेसन नंबर 3 की एक्सरसाइज के एंड पर दिए हुए हैं. आर्टिकल्स आपको समझाए हुए हैं कि आर्टिकल्स क्या होते हैं और किस तरह से आपने इनको यूज करना है और कहाँ ये यूज नहीं होंगे, कहाँ ये ओमिट होंगे. सो अब इसको हम जनरली पढ़ेंगे और इसको इसकी एक अंडरस्टैंडिंग लेंगे, एक जनरल ओवरव्यू लेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि आर्टिकल्स कहाँ यूज होते हैं और क्या होते हैं. देन फिर आपको वो एक्सरसाइज सॉल्व करने में इजी रहेगा. ठीक है, सो हेयर वी गो. द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल. एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स द नाउन. इट इज यूज्ड बिफोर द नाउन टू शो वेदर इट रेफर्स टू समथिंग स्पेसिफिक और नॉट. आर्टिकल वो वर्ड होता है जो कि नाउन को डिस्क्राइब करता है. इट इज यूज बिफोर द नाउन टू शो वेदर इट रेफर्स टू समथिंग स्पेसिफिक और नॉट. ठीक है, ये नाउन के पीछे यूज होता है, नाउन से पहले आता है ये बताने के लिए कि नाउन कोई हम इंपॉर्टेंट यूज कर रहे हैं या नहीं, कोई ऑब्वियस यूज कर रहे हैं या नहीं. ठीक है, तो नाउन की अहमियत को उजागर करने के लिए, नाउन को बेहतर करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं हम उन्हें कहते हैं आर्टिकल्स. ठीक है, इसके टू टाइप्स होते हैं. टाइप्स ऑफ आर्टिकल हैं डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट का मतलब होता है टू बी क्लियर, एग्जैक्ट और समथिंग और ऑब्वियस अबाउट समथिंग. यानी कि डेफिनेट आर्टिकल क्लियर आर्टिकल होता है, क्लियरली हमें पता होता है कि वी आर सेइंग अबाउट दिस. ठीक है, एंड वी आर सेइंग अबाउट दैट. यानी कि हम इसके बारे में बात करें या हम उसके बारे में बात करें, हमें पता होता है डेफिनेट आर्टिकल में. लेकिन इनडेफिनेट आर्टिकल्स में हमें यह नहीं पता होता एग्जैक्टली कि हम किसके, क्यों और किस तरह से बात कर रहे हैं. यानी कि समथिंग विच इज नॉट क्लियर, ये अनक्लियर आर्टिकल भी कहलाता है. सो डेफिनेट आर्टिकल में इंक्लूडेड होता है द. ठीक है, जो कि एक नाउन को स्पेसिफाई करता है. और इनडेफिनेट आर्टिकल आ और एन को कहते हैं. ठीक है, आ एन एप्पल, एन एरोप्लेन, अ पेन. ठीक है, इस तरह से इन ये आर्टिकल्स यूज होते हैं. आए हम इसके बारे में, अब इसकी जो है यूज और इसकी ओमिशन के बारे में पढ़ते हैं कि आर्टिकल्स कहाँ यूज होते हैं और कहाँ से इनको नहीं यूज करना, खत्म करना. आए जी, हाउ टू यूज आ एंड एन. अब हम देखेंगे कि आ और एन को यूज कैसे करना है और कहाँ पे करना है. ठीक है, आपने पढ़ा होगा, लेकिन लेट्स हैव अ जनरल ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक वंस अगेन. सबसे पहले आ देखेंगे, यूजेज उसका क्या है. आ इज यूज बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. कॉन्सोनेंट्स होते हैं जो कि वोवल्स के अलावा बाकी सारे अल्फाबेट्स होते हैं, उनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स. तो जो कॉन्सोनेंट साउंड से बिगिन कर रहा हो एक नाउन, ठीक है, एक वर्ड जो कि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा हो, उसके पीछे आप आ लगाते हैं. जैसे अ मैन, अ लैम्प, अ कैट. लेकिन एन कहाँ कहाँ यूज करते हैं. एन इज यूज बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ वोवल साउंड. जो वोवल साउंड से बिगिन कर रहे हो ना वर्ड्स, उनके पीछे आप एन लगाते हैं. जैसे एन एप्पल, एन इरेजर, एन अम्ब्रेला. दिस इज द यूजेज ऑफ आ एंड एन, और ये है इनडेफिनेट आर्टिकल्स. ठीक है, ये जी. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेट आर्टिकल्स द एंड इट्स यूजेस. ठीक है, अब हम द का यूजेज पढ़ेंगे और साथ साथ ये भी पढ़ेंगे कि ये किस नाउन्स के पीछे या किन वर्ड्स के पीछे किस तरह से हम उसको यूज करते हैं. और ये डेफिनेट आर्टिकल है, ये भी आप लोगों ने जहन में रखना है. फर्स्ट पॉइंट, इट इज यूज बिफोर स्पेसिफिक काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. यानी कि ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के पीछे यूज होता है, सिंगुलर एंड प्लुरल दोनों के. जैसे द सोप, द डॉग, द कैट.
इस तरह के जो है नाउन्स के पीछे ये यूज होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, यानी जिस चीज को हम स्पेसिफाई करना चाहे, जिस चीज को इम्पोर्टेंस देना चाहे, जोर देना चाहे, उसके पीछे आप द यूज कर लेते हैं, जिनमें आते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स, जिनके एग्जाम्पल्स मैं बता चुकी हूँ. नंबर टू इज इट इज यूज बिफोर समथिंग और समवन ऑलरेडी मेंशनड, ठीक है. नंबर थ्री इज इट इज यूज बिफोर द सुपरलेटिव. सुपरलेटिव मतलब सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. जरा आपको पता होगा देर आर थ्री डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव. स्ट्रांग, स्ट्रांगर, स्ट्रांगेस्ट, ठीक है. तो सुपरलेटिव सबसे बड़ी वाली डिग्री होती है, मतलब स्ट्रांगेस्ट वाली डिग्री होती है, यानी कि जो सबसे बेहतर होता है हम उसको इस डिग्री के अंडर लेकर आते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के अंदर. तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उससे पहले भी हम लगाते हैं द, यानी कि द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है. गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है और हमने लगा दिया द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है. द स्ट्रांगेस्ट बॉय इन द सिटी, यानी कि सबसे ताकतवर बॉय. तो ये है सुपरलेटिव डिग्री के पीछे आपने दा लगाना है. नंबर फोर इज बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपने दा लगाना होता है, यानी कि द गिटार, द पियानो, ठीक है, जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो उसके पीछे आप लगाते हैं द. अगर ड्रम भी होगा तो द ड्रम करेंगे आप. नंबर फाइव इज नेशनैलिटीज. नेशनैलिटीज, ठीक है, नेशनैलिटीज के पीछे भी आप लगाते हैं द ग्रीक्स, द फ्रेंच, द पाकिस्तानी, ठीक है. तो इस तरह से आप नेशनैलिटी के पीछे भी दा लगाते हैं. जिस मुल्क का जो बाशिंदा हो, जैसे द इंडियन, द ग्रीक, द फ्रेंच, द कैनेडियन, ठीक है. तो जिस मुल्क का भी बाशिंदा आपने शो करना हो, नेशनैलिटी शो करनी हो, उसके पीछे भी आप दा यूज करते हैं. नंबर सिक्स इज फैमिली नेम्स. द ब्राउन्स, द क्लिंटन्स, आप फैमिली नेम्स के पीछे भी दा लगाते हैं. द सैयद्स, ठीक है, द मलिक्स, द ब्राउन्स, द क्लिंटन्स. द ब्राउन्स, द क्लिंटन्स तो वो एक अंग्रेजों की फैमिलीज के नेम है, तो उसके पीछे दा लगाया हुआ है. आपको इतनी ना अगर समझ आए तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि द सैयद्स, द मलिक्स, ठीक है, जिस तरह हमारी फैमिलीज होती हैं उसी तरह जो है अंग्रेजों की भी फैमिलीज होती हैं, और फैमिलीज के नेम्स के पीछे दा लगाते हैं. सेवन इज होटल्स. कोई भी होटल का नाम हो आपने दा लगाना है. द रिट्स, द ग्रैंड ब्रिटेज, द हिल्टन, ठीक है, जैसे द पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल हमारे पाकिस्तान में जो है, द हॉस्पिटैलिटी इन, ठीक है. तो आप होटल्स के नेम के पीछे दा लगाते हैं. नंबर एट इज द सिनेमा. सिनेमास के नेम के पीछे भी लगाते हैं, द ओडियन, द पैलेस, ठीक है, सिनेमास के नेम्स ही हैं. नंबर नाइन इज न्यूज़पेपर के पीछे भी आप लगाते हैं, जैसे द जंग, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्डियन, ठीक है, द डाउन, यानी कि जो न्यूज़पेपर के नेम्स हैं आप उसके पीछे भी दी यूज करते हैं. नंबर टेन इज ऑर्गेनाइजेशंस. ऑर्गेनाइजेशंस के पीछे जो ऑर्गेनाइजेशंस के नाम होते हैं उसके बीच भी आप दा लगाते हैं. द बॉय स्काउट्स, द रेड क्रॉस, ठीक है, द ईदी फाउंडेशन, ऑर्गेनाइजेशन है ना एक, तो इसीलिए आप उसके पीछे दा लगाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के नेम के पीछे. नंबर 11 इज सीज, रिवर्स और ओशन. सीज, रिवर और ओशन के नेम के पीछे भी हम दा यूज करते हैं, जैसे द एजियन सी, द पैसिफिक ओशन, ठीक है. तो सीज, रिवर्स और ओशन के नेम के पीछे भी लगाते हैं. द रावी रिवर, ठीक है, इस तरह से. 12 इज डेजर्ट्स, ठीक है, रेगिस्तानों के नामों के पीछे भी हम दा लगाते हैं, जैसे द सहारा डेजर्ट, द गोबी डेजर्ट, ठीक है. नंबर 13 इज माउंटेन रेंजेस. माउंटेन रेंजेस के नेम के पीछे भी हम लगाते हैं, द हिमालयस, द एल्प्स, ठीक है, इस तरह उन्होंने किया हुआ जी. नंबर 14 इज ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, यानी कि आइलैंड्स का एक ग्रुप बनाओ, जजीरों का एक ग्रुप बनाओ और वो एक पूरा सिटी हो तो उसको कहते हैं, उसके पीछे भी दा लगाते हैं, जैसे द साइलिस, द स्काइलेट्स, ठीक है. और 15 इज सम कंट्रीज. कुछ कंट्रीज के पीछे भी दा लगाते हैं, द यूएसए, द यूके, द नेदरलैंड्स. 16 इज डेट्स के पीछे भी लगाते हैं, तारीखों के पीछे. द फर्स्ट
ऑफ मई, द सेकेंड ऑफ जून, द थर्ड ऑफ जुलाई, इस तरह भी हम द लगाते हैं डेट्स के पीछे. 17, द मॉर्निंग, द आफ्टरनून, द इवनिंग, यानी कि जो टाइमिंग होती है मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग, इसके पीछे भी द लगाते हैं. फिर 18, बिफोर यूनिक पीपल एंड थिंग्स, जो यूनिक पीपल और थिंग्स होती हैं, जो मतलब डिस्टिंग्विश होती हैं, ठीक है, अलग होती हैं, द सन, द मून, द पोप, द प्रेजिडेंट, ठीक है, जो यूनिक पीपल होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कोई मिनिस्टर होता है, या कोई प्रोमिनेंट चीज होती है जैसे सन, मून और द पोप, ठीक है. तो द पोप मतलब जो है एक राइटर का नाम है, तो इसके पीछे भी आपने लगा दी. यानी कि जो यूनिक पीपल, जो डिस्टिंग्विश पीपल, अलग होते हैं, जिनका नाम ज़्यादा लिया जाता है, उनके पीछे भी द लगा सकते हैं, ठीक है. तो ये कंडीशंस हैं जिनके पीछे आपने द यूज़ करना है. इन सबको आप नोट कर लें अपनी नोटबुक्स में, ताकि आपको याद रहे मेरी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ. स्टूडेंट्स, हमने ये तो पढ़ लिया कि आ, एन और द कहाँ यूज करते हैं, और हमने ये भी सीख लिया कि डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स में क्या फर्क है. लेकिन हमने ये नहीं जाना कि कहाँ हमने आर्टिकल नहीं यूज करना. सो व्हेन टू यूज नो आर्टिकल, ये अब हम पढ़ेंगे और इसको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आपने आर्टिकल कहाँ यूज नहीं करना, टू टॉक अबाउट थिंग्स इन जनरल. अगर आप जनरली किसी थिंग के बारे में, किसी चीज के बारे में जिक्र कर रहे हैं, तो आप उसके पीछे द नहीं लगाएंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मिल्क इज गुड फॉर यू, आपने द मिल्क नहीं करना, बल्कि मिल्क इज गुड फॉर यू कहना है. नंबर टू इज टू टॉक अबाउट स्पोर्ट्स एंड गेम्स. अगर आप स्पोर्ट्स एंड गेम्स के बारे में जिक्र कर रहे हैं, तो तब भी आप उसके पीछे द नहीं लगाएंगे. जैसे द क्रिकेट नहीं होता, द बास्केटबॉल नहीं होता, लेट्स गो एंड प्ले बास्केटबॉल, द बास्केटबॉल नहीं है. नंबर थ्री इज बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्रीज. कंट्रीज के नेम के पीछे आपने द नहीं लगाना. कुछ कंट्री के पीछे जो है लगाते हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज के पीछे नहीं लगाते. जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज होती है, मोस्टली हम उनके पीछे लगाते हैं. जैसे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बहुत सारी स्टेट्स आपस में मिली हुई हैं. यूनाइटेड किंगडम जो है वो यूनाइटेड हुई में किंगडम्स, तो इसीलिए हम उसके पीछे द लगा देते हैं. अदरवाइज द जो है किसी कंट्री के पीछे नहीं लगता. पाकिस्तान के पीछे आप द नहीं लगा सकते, जापान, फ्रांस, इटली, इसके पीछे आप द नहीं लगा सकते. देखिए उन्होंने भी लिखा हुआ है, एक्सेप्ट द यूके, द यूएस एक्सेट्रा. यूके और यूएस के पीछे आपने द लगा सकते हैं, क्योंकि ये कंबाइंड स्टेट्स हैं, ज्यादा सारी स्टेट्स हैं, इसलिए हम इसको द कह देते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर है ना, इंपॉर्टेंट है. बिफोर द नेम ऑफ अ लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज के नेम के पीछे आप द नहीं लगाते. फॉर एग्जाम्पल, वी आर लर्निंग इंग्लिश, वी आर लर्निंग द इंग्लिश नहीं आएगा. वी आर लर्निंग द उर्दू नहीं आएगा, सिर्फ उर्दू आएगा, सिर्फ इंग्लिश आएगा, सिर्फ पंजाबी आएगा, या सिर्फ पश्तो आएगा. नंबर फाइव इज बिफोर द नेम्स ऑफ रेलवे स्टेशन व्हेन दे आर ऑल्सो प्लेस नेम्स. ऐसे रेलवे स्टेशन जो कि किसी जगह के भी नाम हो, उनके पीछे आपने द नहीं लगाना. बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स, खाने के नेम के पीछे आप नहीं लगाना. जैसे डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, इसके पीछे द ब्रेकफास्ट आप नहीं कहेंगे, द डिनर आप नहीं कहेंगे, द लंच आप नहीं कहेंगे. दे इन्वाइटेड सम फ्रेंड्स टू डिनर, टू द डिनर नहीं कहेंगे, ठीक है. नंबर सेवन इज बिफोर नाउन प्लस नंबर, एक नाउन और नंबर साथ हो, जैसे रूम नंबर सिक्स, लेबोरेटरी नंबर सिक्स, ठीक है, इस तरह से नंबर जिसके आगे आ जाए, जिस नाउन के आगे, उसके पीछे आपने द नहीं लगाना. द लेबोरेटरी इज इन रूम सिक्स ऑन द थर्ड फ्लोर, इन द रूम सिक्स नहीं आया, ठीक है. तो ये बातों का आपने ख्याल रखना है कि यहां पर आपने द या कोई भी आर्टिकल, आ, एन, द, कोई भी आर्टिकल यहाँ यूज इन कंडीशंस में नहीं करना. यहाँ आर्टिकल आप यूज नहीं कर सकते, अगर आप करेंगे तो इट विल बी रॉन्ग. ये थे स्टूडेंट्स आर्टिकल्स. हमने इंट्रोडक्शन टू आर्टिकल्स पढ़ा, कहाँ इनको यूज करना है, कहाँ इनको यूज नहीं करना. इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा कि ये आ और एन होते हैं, और डेफिनेट आर्टिकल्स द होते हैं, ठीक है. और कहाँ आपने इनको किन नाउन्स के पीछे यूज करना है और किन के पीछे यूज नहीं करना, ये मैं आपको तफसीलन बता चुकी हूँ. आई होप कि आपको समझ आ गई होगी. नाउ ओपन अप यूनिट नंबर टू, लेसन नंबर थ्री एक्सरसाइज. लेसन नंबर थ्री के एंड पर जो एक्सरसाइज दी हुई है, आप वो खोलें. वहां पर आपको लैंग्वेज स्टडी में आर्टिकल्स का इंट्रोडक्शन दिया होगा,
आप उसके साथ जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी हैं, जो मैंने आपको समझाया है, उन सब बातों को आप टैली करें, ठीक है, उनको रीड आउट करें कि वो क्या कह रहे हैं, और अगर कुछ नहीं समझ आता यू कैन ऑलवेज आस्क मी, और देन फिर आप उसकी आखिर में दी गई एक्सरसाइज और फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। फिर अगर आपने कुछ समझना हो या पूछना हो यू कैन ऑलवेज आस्क मी। टिल देन ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। ईद आने वाली है कल, इंशाल्लाह हमारी ईद होगी और इंशाल्लाह हम कुर्बानी करेंगे अल्लाह ताला की राह में। सो रिमेंबर ऑल द मुस्लिम्स इन योर प्रेयर्स एंड सेक्रीफाइस नॉट ओनली द एनिमल बट योर ईगो, योर ग्रीड एंड ऑल द बैड क्वालिटीज यू हैव, ठीक है। अपनी सारी बुराइयां भी आपने सेक्रीफाइस करनी है, उसके साथ साथ जानवर के साथ साथ, ठीक है। सिर्फ जानवर को सेक्रीफाइस करने का नाम ईद नहीं है, बल्कि अपनी बुराइयों को भी सेक्रीफाइस करने का नाम भी ईद है। सो टेक केयर टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।